एमपी में विधानसभा चुनाव की हलचल है, जहां मध्य प्रदेश समेत चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है। मध्य प्रदेश के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह होंगे। वहीं यूपी के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और उड़ीसा की कोरापुट सीट से सांसद सप्तगिरी उल्का इस कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। साथ ही इस कमेटी में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भी सदस्य बनाया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार, भंवर जितेंद्र सिंह को बनाया स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह होंगे कमेटी के सदस्य। स्क्रीनिंग कमेटी में दिखा राहुल गांधी का दबदबा। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार देर रात स्क्रीनिंग कमेटी की सूचना जारी की। मध्य प्रदेश के लिए गठित कमेटी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी पदेन सदस्य होंगे। साथ ही नेता राज्य प्रभारी जेपी अग्रवाल, प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया और विधायक कमलेश्वर पटेल को भी समिति में पदेन सदस्य मनोनीत किया गया है। मध्य प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी में कांग्रेस ने जातीय संतुलन पर भी फोकस किया है। आदिवासी वर्ग को साधने के लिए एआईसीसी ने उड़ीसा की कोरापुट लोकसभा सीट से सांसद सप्तगिरी उल्का को मेंबर बनाया है। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग से आने वाले यूपी के पूर्व पीसीसी चीफ अजय कुमार लल्लू को इस कमेटी में मेंबर बनाया है। वहीं अलवर राजघराने के सदस्य भंवर जितेंद्र सिंह को इस टीम का चीफ बनाया गया है। जितेंद्र सिंह केंद्रीय खेल और रक्षा राज्य मंत्री रह चुके हैं, साथ ही वे राहुल गांधी के विश्वसनीय नेताओं में से एक माने जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी में विधानसभा चुनाव की हलचल है, जहां मध्य प्रदेश समेत चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है। मध्य प्रदेश के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह होंगे। वहीं यूपी के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और उड़ीसा की कोरापुट सीट से सांसद सप्तगिरी उल्का इस कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। साथ ही इस कमेटी में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भी सदस्य बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।